हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CLR पार्सर के बारे में। इसके पहले मैंने बात की LR पार्सर, SLR पार्सर और आज हम बात करेंगे CLR पार्सर। बोथ आर LR एंड SLR आर जीरो आइटम पार्सर एंड CLR एंड LALR आर वन आइटम पार्सर। तो बोथ आर सेम प्रोसीजर एंड CLR एंड LALR आल्सो हैव सेम प्रोसीजर। सो वी डिस्कस बोथ ऑफ देम, नाउ वी डिस्कस CLR। सो आई टेक एन एग्जांपल एंड एग्जांपल हमारे पास वही है एस टेंस टू ए ए, ए टेंस टू ए ए ऑब्लिक बी। तो इसके लिए हम एक आर्गुमेंटिक प्रोडक्शन, जैसे कि CLR अगर आपने LR और SLR वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है सेम इसी से उठ के आएगा। जो टेबल बनेगी वो सिमिलरली इसी की तरह बनेगी, बस इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन चेंज होगा कि इसमें जो हम लुक हेड यूज करेंगे। लुक हेड क्या होता है, जो जीरो यहाँ पर वन आइटम जो लिखते हैं उसका मतलब होता है कि इसमें हम लुक हेड यूज करेंगे। और लुक हेड कैसे निकलेगा, फॉलो निकालेंगे हम। और फॉलो कैसे निकालते हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले तो आर्गुमेंटेड हमें एक प्रोडक्शन यूज करना है एस डैश टेंस टू डॉट एस, और जब हमने डॉट एस लगाया तो एस के पहले डॉट है, तो इसके लिए सारे प्रोडक्शन इसके लिखने हैं। तो एस टेंस टू ए ए, और जैसे ही ए के पहले डॉट आया तो हमें ए के प्रोडक्शन लिखने हैं। ए टेंस टू डॉट ए ए स्लैश डॉट बी। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होइए कि मैंने सेम इसको कॉपी कर दिया है, कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्शन को लिखा है एस डैश टेंस टू डॉट एस। चूंकि ये डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल के पहले डॉट आया है तो मैं इस एस के सारे प्रोडक्शन लिखने पड़े, यानी कि ये वाला प्रोडक्शन, और इस ए के पहले डॉट आया इसलिए ए के सारे प्रोडक्शन लिखने पड़े, यानी कि ये प्रोडक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले इसके पहले जो LR और SLR वाले वीडियो है उसको देख लीजिए। अब हमें सेम वही यूज करना है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, लुक हेड का। लुक हेड आने के हमें इसका निकालना है फॉलो। तो एस डैश का फॉलो क्या आएगा, एस डैश का फॉलो आएगा डॉलर। सबसे पहले जो स्टार्टिंग सिंबल होता है उसका फॉलो हमेशा डॉलर आता है। अब इसका डॉलर आया और ये प्रोडक्शन आया इसकी वजह से, तो इस एस को छोड़ के बाकी जो बचा उसका जो फर्स्ट होगा वही इसका फॉलो होगा। अब ये फॉलो कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया वीडियोज में, फर्स्ट और फॉलो निकालने के वीडियोज में। तो यहाँ एस का फॉलो निकालना, तो एस के बाद क्या बचा, एस को कौन फॉलो कर रहा है, डॉलर। तो इसका फॉलो भी क्या हो जाएगा, डॉलर। अब हम बात करते हैं इस ए की, ये जो प्रोडक्शन आया वो इस ए की वजह से आया है, और ये इस ए का फॉलो कौन है, इस ए का फॉलो करने वाला इतना हिस्सा है, यानी कि इस ए को कौन फॉलो कर रहा है, इस ए को ए फॉलो कर रहा है। तो ए का जो फर्स्ट होगा वही ए का फॉलो होगा, क्योंकि ए को फॉलो करने वाला ही ए का जो है फर्स्ट है। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट क्या आएगा, ए ऑब्लिक बी। यहाँ फर्स्ट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, फॉलो निकाल रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। तो इस ए की वजह से ये प्रोडक्शन आया, इस ए का फॉलो कौन है, ए, और ए यानी कि हमें नॉन टर्मिनल चाहिए होता है, सॉरी टर्मिनल चाहिए होता है, या नॉन टर्मिनल दिया है तो हम इसमें ए और बी आता है। अब ये कैसे फॉलो निकालते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो पहले आप जाइए फर्स्ट एंड फॉलो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वीडियो को देखें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने इस ए का फॉलो क्या कर रहा है, ये ए, और इस ए को हम ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसका नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा, इसका फर्स्ट आएगा ए और बी। सिमिलरली इसके लिए सेम प्रोडक्शन है, तो ए और बी। तो ये हमारा आई नॉट आया, थोड़ा सा इसमें आई नॉट में डिफरेंस आया है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम जैसे कि हम एल आर जीरो में करते थे, एस के लिए हम जब बढ़ेंगे तो एस डैश टेंस टू एस डॉट, और जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो हम लुक हेड को सेम कॉपी कर देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला जो आएगा वो ए पे आएगा, तो आएगा एस टेंस टू ए डॉट ए कॉमा डॉलर। डॉलर को एज इट इज कॉपी करना है, क्योंकि अभी तो हम प्रोडक्शन को सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। अब डॉट के बाद ए आया, यानी कि कैपिटल लेटर आया डॉट के बाद, तो इस ए के सारे प्रोडक्शन आएंगे। ए का प्रोडक्शन क्या है, डॉट ए ए स्लैश डॉट बी। अब ए ए
अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन ये होता है कि इसका लुक हेड क्या है, ए और बी, और आप यहाँ पे ए और बी लिख देंगे वहीं पे आपका पूरा गलत हो जाएगा। देखिए करना क्या है, ये वाला प्रोडक्शन यहाँ से नहीं आया है तो हमें इस लुक हेड से कोई मतलब नहीं है, ये प्रोडक्शन आया इसकी वजह से, इस ए की वजह से। तो इस ए को कौन फॉलो कर रहा है, इस ए को फॉलो कर रहा है डॉलर, और कोई सिंबल नहीं है, तो इस ए को कौन फॉलो कर रहा है डॉलर, तो इसका जो लुक हेड होगा वो भी डॉलर होगा, इसका भी डॉलर होगा। तो यहाँ पे बस यहाँ पे गलती हो जाती है इस सिंबल में कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम इसका जो लुक हेड है ए और बी लिख देते हैं, यहीं पे हमारी गलती हो जाती है और यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दो प्रोडक्शन आए हैं ये यहाँ से नहीं आए, ये इस ए की वजह से आए हैं, इस ए को कौन फॉलो कर रहा है डॉलर, तो इसका लुक हेड क्या होगा डॉलर। चलिए अब स्मॉल ए पे आते हैं, स्मॉल ए पे क्या आएगा, स्मॉल ए पे ए, सॉरी ए टेंस टू ए डॉट स्मॉल ए, और इसका लुक हेड आएगा ए प्लस बी, इसको जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए अब ए डॉट आया तो इसकी वजह से यहाँ पे ए के सारे प्रोडक्शन आएंगे, ए डॉट ए ए स्लैश डॉट बी। अब इसका लुक हेड क्या आएगा, अब यहाँ से हमें इसको कॉपी नहीं करना है, हमें इसका देखना है, इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है ए और बी, इसको भी फॉलो करेगा ए एन बी, और इसका भी फॉलो होगा ए एन बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे ए और बी आया लेकिन हमने ये वाला नहीं उतारा है, ये वाला कॉपी नहीं किया, यहाँ पे हमने ए को कौन फॉलो कर रहा है ए और बी, और जब हम शिफ्ट करते हैं तो सेम एज इट इज जो यहाँ का लुक हेड होता है वही यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये गलतियाँ होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी तो पूरा सेम LR0 पार्सर या आपका CLR पार्सर है उसी की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल बी पे, तो आएगा ए टेंस टू बी डॉट, और इसका सिंबल एज इट इज रहेगा ए ऑब्लिक बी। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ पे कैपिटल ए पे जाएगा आपका एस टेंस टू ए ए डॉट कॉमा डॉलर, ये प्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश। जब ये स्मॉल ए पे जाएगा, जब ये स्मॉल ए पे जाएगा तो ये आएगा ए टेंस टू ए डॉट ए कॉमा डॉलर, और उसके बाद इस प्रोडक्शन इस ए की वजह से प्रोडक्शन आ रहे हैं डॉट ए ए ऑब्लिक डॉट बी, और ये इसकी वजह से आया तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है डॉलर, तो इसका भी लुक हेड क्या हो जाएगा डॉलर। अब हम बात करते हैं स्मॉल बी पे, स्मॉल बी पे आएगा ए टेंस टू बी डॉलर डॉट, और इसका लुक हेड एज इट इज डॉलर रहेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस पर जब बात करें हम, इसमें हम देखेंगे कैपिटल ए पे क्या आएगा, ए टेंस टू ए ए डॉट हेड आएगा ए बी, इस पर हम जब बात करें स्मॉल ए पे तो इस पर आएगा ए टेंस टू डॉट सॉरी ए डॉट ए लुक हेड आएगा ए ऑब्लिक बी, और ए इस ए की वजह से ये प्रोडक्शन फिर से आएंगे ए टेंस टू ए ए ऑब्लिक सॉरी ऑब्लिक बी, और इसका प्रोडक्शन इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है ए बी, इसका लुक हेड आएगा ए बी। उसके बाद आपका अगला जो आएगा वो आएगा बी, तो बी पे आएगा आपका ए टेंस टू बी डॉट, और लुक हेड आएगा ए ऑब्लिक बी। अब देखिए ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला सेम है, तो इसको हम ऐसे ना लिख के हम इसको सीधे बी से इधर डिनोट कर देते हैं बी, और सिमिलरली ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला प्रोडक्शन सेम है तो इस ए को यहाँ ना लिख के हम ए को भी इसी से रिपीट कर देते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सेम प्रोडक्शन है। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम जब बात करें तो हम इसकी बात करते हैं, तो जब एक कैपिटल ए पे जाएगा तो ये आएगा ए टेंस टू ए ए डॉट कॉमा डॉलर, और जब स्मॉल ए पे आएगा तो ए स्मॉल ए पे सेम प्रोडक्शन आएगा, और स्मॉल बी पे जाएगा तो ये वाला प्रोडक्शन आएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल टेबल बन चुकी है, आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव
i6, i7, i8 एंड i9। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, देखिए दो चीजें हैं i4 और i7, ये दोनों i4 और i7 कॉमा, ये दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ लुक हेड में अंतर है, यहाँ पे ए भी आ रहा है, यहाँ पे डॉलर आ रहा है। तो अगर हम LR0 या SLR में इसी को ड्रॉ करते तो ये दोनों स्टेज एक साल लिखी जाती, तो यानी कि जब CLR हम बनाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखें यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, यानी कि i3 और i6, i3 और i6 जो है आपका, ये भी सेम है, बस लुक हाइट का सिंबल है, यानी कि इसको भी अगर हम CLR में बनाते तो ये दो स्टेज ना होके एक स्टेज होती, यानी कि अगर हम इसी को CLR में बनाते तो ये दोनों एक स्टेज बन जाती, ये दोनों एक स्टेज बन जाती, यानी कि नंबर ऑफ स्टेज रिड्यूस हो जाती। तो जब भी हम CLR पार्सर की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्टेज ज्यादा होती है, तो इंक्रीज हो जाती है, स्टेज इंक्रीज हो जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका डिफरेंस है कि इसमें सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसमें स्टेज इंक्रीज हो जाती है। तो इतनी बात ध्यान रखना है, ये आपकी टेबल सिंपली बन चुकी है। कोई अगर आपको ये टेबल बनाना नहीं समझ में आया कैसे बनाई है, तो आप सिंपली इसके पहले वाला वीडियो जिसको मैंने आराम से एक्सप्लेन किया है, आप उस पर जाके देखिए CLR और SLR वाले वीडियोज में, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा मैंने स्पीड के साथ किया है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है लुक अहेड कैसे कैलकुलेट करना है। तो लुक अहेड हमेशा ऐसे कैलकुलेट करना है कि जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन आया उसको यूज करना है, और जब हम शिफ्ट करते हैं तो लुक अहेड को एज इट इज कॉपी कर देना है। अब हम जब इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे बनानी है,